राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। बीना जी के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे अरबी के पत्ते। हम इनको पतौड़े भी कहते हैं, इनको और अरबी के पकौड़े भी कहते हैं। ये 10-12 हमने पत्ते ले लिए हैं और ये बेसन ले लिया है। इसमें नमक डालेंगे अब 1 चम्मच। अब इसमें अजवाइन डालेंगे हम बेसन में। इसको हथेली में मसल के बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। ये हींग डालेंगे 1 चुटकी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी चिल्ली पाउडर। ये पेस्ट बनाया है हमने। हरी मिर्च है, लहसुन है और अदरक है। ये भी इसमें डालेंगे। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, ज़्यादा नहीं गिरेंगे पानी, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसमें। पेस्ट हमने पतला नहीं बनाना ज़्यादा। अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे भुना हुआ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसको और फेंट लेंगे अच्छे से। बेसन के अंदर खटाई जरूर डालें, ये अमचूर पाउडर है ये, और नहीं तो इसको अगर नहीं डालेंगे ना तो गले में ना खराश खराश सी होगी, उसको खुजली हो जाएगी। इस तरीके से गोल ऐसा ही होना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। ये इस तरीके से बस पत्तों पर लिपट जाए अच्छे से। अब पत्तों पर लगा के हम दिखाते हैं इनको। ये सबसे बड़ा पत्ता हम नीचे लेंगे, इसको इस तरीके से बिछाएंगे इस पत्ते को, और ये हिस्सा ना इधर रखेंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे इस पत्ते को। इस तरीके से सारे पत्तों पे हम लगा लेंगे बेसन। अगर नहीं लगा चम्मच से तो हाथ से भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैं दूसरा पत्ता इस तरीके से रखूंगी। हम इस पर 4-5 पत्ते लगा लेंगे। आ जल्दी, ये थोड़ा हाँ। ये हमने तीसरा पत्ता ले लिया है, हमने ये चौथा पत्ता ले लिया, ये चौथा पत्ता ले लिया है हमने। ये इस पर हल्का हल्का ही बेसन लगाना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दिखा दो, ये 5वां पत्ता हमने ले लिया है। अब ये हमारे 5 पत्ते इस पर लग गए। 1, 2, 3, 4, ये 5। अब ये इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इस पे भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगा लेंगे।
अब ये इस तरीके से थोड़ा सा इस पे लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके लाएंगे हल्के हाथ से, नहीं तो फट जाएंगे पत्ते। इस तरीके से अब इस पत्ते को भी हम थोड़ा थोड़ा बेसन लगा लेंगे इस पे। बन गया ना हमारा ये रोल, बन के तैयार हो गया हमारा। देखो कितना अच्छा बना है। अब इस तरीके से सारे पत्तों का हम रोल बना लेंगे। हमारे इतने पत्तों में 3 रोल बन के तैयार हुए हैं। अब इनको हम गर्म पानी में भाप लगाएंगे। इस पर हमने पतीला रख दिया गैस पे, अब गैस ऑन कर रहे हैं। अब इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। अब ये पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद में अब इसमें छलनी रखेंगे, फिर रखेंगे इसमें पत्ते। ये पानी गर्म हो गया है अच्छे से। अब इस एक प्लेट लेंगे हम, ये इसको हमने तेल लगा लिया इसमें। अब ये सारे रोल इस पर रख देंगे। इस तरीके से अब इसको 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे हम। अब इनको रोलों को देख लेते हैं। रोल पक चुके हैं अच्छे से। अभी हम इनको पलटेंगे। अभी हरे हैं ये इस तरीके से। इस तरीके से ये 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। ये रोल हमारे भाप लग चुकी है इसमें, अब ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनको काटेंगे हम, एक एक पीस करके काटेंगे। देखो इस तरीके से कितने अच्छे बने रोल। अब इनको काट लेंगे, पतले पतले पीस जैसे भी खाओ, मोटे पतले जैसे भी काटने काट लो। इस तरीके से ठंडे हो गए ही काटे, ठंडे हो गए बहुत अच्छे पीस कटते हैं इसके, ये रोल के इस तरीके से। अभी मैं दिखाती हूँ सारे पीस, क्यों मैं हाथ ना उल्टा पड़ रहा है इस तरीके से, अभी ये दिखा नहीं पाऊंगी। ये इस तरीके से हम सारे रोल काट लेंगे। ये रोल हमारे सारे अच्छे से कट चुके हैं। ये अब इनको फ्राई करेंगे हम। गैस जला लिया हमने, गैस पर फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे जिससे हमारे रोल चिपके नहीं है। इस तरीके से अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया अच्छी तरह। अब इसमें ये डालेंगे सारे सारे, एक एक पीस डालेंगे।
इस तरीके से। गैस कम ही रखें नहीं तो जल जाएंगे ये। इस तरीके से जितने आएंगे इसमें लगा देंगे हम। अब इनको हम पलट लेंगे, सारे पीस पलट लेंगे, जले नहीं। इस तरीके से ज़्यादा हमने रेड नहीं करने, ये जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे फिर। इस तरीके से कम गैस ही रखें इसको, कम गैस पे बहुत अच्छे पकेंगे ये। अब इनको हम और पलट लेते हैं। इस तरीके से अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में हम। इस तरीके से एक एक पीस निकाल लेंगे ये। इस तरीके से आइयो रेखा, ये चालू है क्या है? देखियो चालू है, चालू है। ये सारे हम फ्राई कर लेंगे दोबारा से, जितने आएंगे सारे डाल देंगे इसमें। पकोड़े हमारे तल के तैयार हो गए हैं और इनकी सब्जी भी इस तरीके से बना सकते हैं तल के, और इनको ऐसे कच्चे भी बना सकते हैं। देखो किस तरीके से क्रिस्पी हुए हैं ये। इस तरीके से तलें और इस पर ये चाट मसाला इस तरीके से चाट मसाला डाल के ज़रूर खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस पर ये प्याज लेकर, प्याज है, सॉस है, नींबू है, हरी मिर्च है। इनकी सब्जी भी बना सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। अब हम सब्जी बनाएंगे। गैस ऑन कर ली हमने और इस पर कढ़ाई रख लिया गैस पे। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे इसमें। तेल गरम हो गया, अब जीरा डालेंगे इसमें। इसमें हींग डालेंगे। ये पेस्ट था, प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट है ये।
इसको चला लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे सारे। बारिश का मौसम है, पतोड़े खाना तो बनता ही है एक बार, और सब्जी बनाना बनता है। अब देगी मिर्च डालेंगे एक चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, धनिया पाउडर, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। आप मसाला हमारा भून गया है अच्छे से, अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये अब इसमें पानी डालेंगे, ये अपने हिसाब से डालें पानी, पतली सब्जी चाहिए, गाढ़ी चाहिए, कैसी चाहिए। अब इसको पानी में उबाल आ जाएगा जब हम पतोड़े डालेंगे इसके अंदर। मसाले में उबाल आ गया है, अभी हम डाल देंगे सारे पीस। इस तरीके से अब इसको 5 मिनट के लिए उबालना है, बस 5 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये हमारे पत्ते ना सारी लहर है ना इसकी खुल जाएगी इसके अंदर, मसाले के अंदर। अब इसको ढक देते हैं इस तरीके से। सब्जी को देख लेते हैं, अब 5 मिनट हो गए, सब्जी हमारी बन गई है। अब गैस बंद कर देते हैं। सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई है, और इस तरीके से सब्जी बना भी सकते हैं और पतोड़े भी बना सकते हैं। अब सब्जी को एक प्लेट में हम निकालेंगे, सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे हम। और ये बहुत आराम आराम से निकाल लें, नहीं तो ये टूट जाएंगे इस तरीके से। ये अरबी के पतोड़ा की सब्जी हमारी तैयार है। चाहे पूड़ी से खाइए, रोटी से खाइए, चपाती से खाइए, चावल से खाइए, किसी से भी खाइए। और इसकी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।